नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम देख रहे हैं कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति कब्ज की समस्या से पीड़ित है और कहा जाता है, और आपने देखा भी होगा कि जब भी हमको कब्ज होती है तो उसके साथ में कोई और रोग भी आ सकते हैं। यानी कि अगर यूं कहें कि सभी रोगों का कारण कब्ज का रहना है, कब्ज एक आम बीमारी बन चुकी है। कब्ज अगर रहती है तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को पाइल्स हुई है तो वो भी कब्ज के कारण से होती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका कब्ज का उसमें एक रोल है, क्योंकि जब हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे को मोशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा होता, तो जब हमारा पेट ठीक नहीं होगा तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग हो सकते हैं, चाहे डायबिटीज हो चाहे बीपी हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी रोगों की जो जड़ है वो पेट का खराब रहना है, कब्ज का रहना है। लोग नहीं समझ पाते कि कब्ज किसको कहते हैं। कब्ज का मतलब होता है हमारे पेट में दर्द रहता है, हमारा मोशन पास नहीं होता, जो मल है वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आ गए हैं। जब हमारा पेट साफ नहीं हो रहा होता, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ रहा होता है, जिसके कारण से हमें दूसरे रोग भी आ जाते हैं। गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट फूल सकता है। और जब हमारा पेट खराब रहता है, हमें कब्ज रहती है, हमारी खाने की इच्छा नहीं होती, हम कुछ नहीं खा पाते, क्योंकि जब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा तो जरा आप कल्पना करें कि हम कैसे खा सकते हैं, हमारे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होने वाली। और हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि किसी काम में मन नहीं लगता, लेट रहने का मन करता है, किसी काम में मन नहीं लगता। आज के समय में अगर हम यूं कहें कि जिस व्यक्ति का पेट सही है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, तो यह गलत नहीं होने वाला, क्योंकि आज हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं सभी का मोस्टली पेट खराब रहता है। और जब पेट खराब रहता है उसके कारण से उनको ना जाने कितने रोग और आ जाते हैं। और हम क्यों रोगी होते हैं, हमारा पेट बार बार क्यों खराब होता है, हमें कब्ज क्यों रहती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम खाने पर विशेष फोकस करते हैं, हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमें भूख है या नहीं, लेकिन हम खाना खा लेते हैं, हमारी चाय पीने की इच्छा है या नहीं, हम चाय पी लेते हैं, जबकि कहा यह जाता है कि जब तक हमारी इच्छा ना हो हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं, मान लीजिए हम सुबह खाना खाते हैं और दोपहर को खाना खाते हैं, तो इसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, लेकिन हम करते क्या है, हमने खाना खाया और घंटे 2 घंटे के अंतर पर ही हमने कुछ खाना शुरू कर दिया, जो कि गलत होता है। पहला पचा नहीं और दूसरा हमने और डाल लिया, जिसके कारण से हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाता है और हमें कब्ज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और उसमें भी हम रोटी चावल दाल इस पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, हम सलाद नहीं खाते, हम फल नहीं खाते, हम लिक्विड डाइट नहीं लेते, या तो हम चावल दाल रोटी का ज्यादा सेवन करते हैं या बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, उसमें भी चिकनाई युक्त भोजन ज्यादा करते हैं, आप नॉन वेज ज्यादा खाना पसंद करते हैं इसलिए आपको कब्ज होती है, मिर्च मसालों का ज्यादा सेवन करते हैं इसलिए कब्ज होती है, डिब्बा पैक भोजन का ज्यादा यूज करते हैं इसलिए कब्ज होती है, या पिज्जा बर्गर चाउमीन मोमोज इन चीजों का अगर हम ज्यादा सेवन करते हैं तो हमारे को कब्ज होने से कोई नहीं रोक सकता, कब्ज होना स्वाभाविक है। जब तक हमारी इच्छा ना हो कि हमें खाना है तो हमें नहीं खाना चाहिए। जब भी मन में यह प्रश्न आए खाऊं या ना खाऊं, तो नहीं खाना। हमें खाना कब खाना चाहिए, जब हमारे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है कि हमसे मिनट भर नहीं रहने वाला, हमें खाना चाहिए ही चाहिए। जब आपको ऐसी भूख लगेगी तो आपको कब्ज नहीं होने वाली, और आप बिना भूख के खाना खाते जाएंगे, उल्टी सीधी समय पे खाएंगे, उल्टी सीधी चीजें खाएंगे, तो आपको कब्ज होना स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे ही हमें मल मूत्र को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब हमारे मन में आए कि मुझे
मल मूत्र के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो जाना ही चाहिए। जैसा मैंने बताया, खाऊं या ना खाऊं, तो नहीं खाना। मलमूत्र का प्रेशर जरा सा लगे और मन में प्रश्न आए, जाऊं या ना जाऊं, तो जरूर जाना चाहिए। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आप कब्ज से भी बच सकते हैं। आप लिक्विड डाइट ज्यादा लें और जो आप खाना खाते हैं उसमें फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल करें। आप आटा पिसवाते हैं, मान लीजिए आप 10 किलो आटा पिसवाते हैं तो उसमें 1 किलो आपको सब अनाजों का मिश्रण लेना चाहिए। आप उसमें बाजरा ले सकते हैं, आप उसमें जौ ले सकते हैं, आप उसमें तरह तरह के भोजन उसमें अनाज मिलवाकर पिसवा सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर ज्यादा जाएगा। और क्योंकि आटा जो है वो कब्ज करता है, ऐसा भी देखा जाता है। जब उसमें हम बहुत सारे अनाज मिला लेते हैं तो उसकी तासीर बदल जाती है, उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में हो जाता है, जिससे कि हमारा पेट ठीक रहता है। तो आप आज के बाद अपना जब भी आटा लें तो उसमें इस तरह के अनाज आप डलवा सकते हैं। आप रोटी चावल दाल से अच्छा है आप सलाद ज्यादा खाएं। आप लिक्विड डाइट ज्यादा लें, चाय कॉफी से बचें, शराब सिगरेट का सेवन कम करें, पानी ज्यादा पिए, छाछ पिए। अगर आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे तो आपकी कब्ज में निश्चित ही आराम आने वाला है, और जो कब्ज के कारण से आपको बहुत सारे रोग आने वाले हैं आप उससे बच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको कब्ज की समस्या का समाधान भी मिल गया होगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाते हैं उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।